दोस्तों, आज मैं आपको गुरुद्वारे जैसा आटे का हलवा बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कटोरी के जितना पानी लिया है ठंडा, और 1 कटोरी आटा लिया है, और ये बारीक कटे हुए बादाम लिए गार्निश के लिए, और ये शुद्ध देसी घी ली है 1 छोटी कटोरी, और ये 6 से 7 चम्मच चीनी ली है। और सबसे पहले दोस्तों, हम अपने एक पैन में 2 कटोरी के जितना पानी जो हमने लिया था उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें अपनी चीनी डाल देंगे। दोस्तों, आप चीनी की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालो, कम पसंद हो तो कम डालो। हमने 8 चम्मच की जितनी चीनी ली है, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे और 2-3 बॉयल दिला देंगे ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक हम अपने एक पैन में, आपको मोटे तले का बर्तन यूज़ करना है, उसमें हम अपनी देसी घी डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप रिफाइंड ऑयल डाल रहे हो तो उससे भी आप बना सकते हो। इसे हम मेल्ट होने तक पहले गर्म कर लेंगे घी को, और अगर आपको घी ज़्यादा पसंद हो तो आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये हमने 1 छोटी कटोरी के जितना देसी घी लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारी चीनी घुल चुकी है और हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पर है। और ये अब हम देसी घी हमारी मेल्ट हो गई है, इसमें हम 1 कटोरी के जितना आटा डाल देंगे, और इसे अच्छे से तुरंत आपको घुमाना है, अच्छे से सेकना है आपको मीडियम और स्लो फ्लेम पर। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसमें 4-5 बॉयल आ चुके हैं। इसे हम बंद करके ढककर रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें अपने आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा डार्की कलर पकाना है, लाइट नहीं पकाना। अगर आप लाइट पकाओगे तो आपके हलवे में लम्स हो जाएंगे और आपका हलवा टेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह आपको घुमाते हुए अपने हलवे को गोल्डन ब्राउन से थोड़ा डार्की कलर पकाना है। उसके बाद हम इसमें जो पानी हमने गर्म करके रखा था वो थोड़ा पहले डाल देंगे, और तुरंत उसे घुमाएंगे क्योंकि इसमें गांठें जल्दी पड़ने लगती है। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह आपको तुरंत घुमाना है ताकि आपके हलवे में गांठें ना पड़े। ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा बन चुका है। इसे हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट। अब देखिए, हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है, और आपका साइड से ऑयल भी दिखना चाहिए। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद हो, आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम इसे अपने सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको याद रहे, आपका 1 बाउल आटा हो तो आपका पानी 2 बाउल के जितना होना चाहिए, डबल पे होना चाहिए, और आपको घुमाना तुरंत। अगर आप देर से घुमाओगे तो आपके हलवे में लम्स हो जाएंगे, और फिर हलवा आपको खाने में मज़ा नहीं देगा, कच्चा रह जाएगा वहाँ से। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम से अपने हलवा को गार्निश करेंगे। इसे आप गर्मागर्म सर्व करें। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह, ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।